नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देसी न्यूज। मोतिहारी में डेड सेंटर जंग का मैदान बन गया। बीपीएससी से चयनित शिक्षक अपना योगदान देने डेड सेंटर पहुंचे, जहां डीपीओ और शिक्षक के बीच में कुछ बात को लेकर कहासुनी होती है। कहासुनी होते ही ये मामला इतना बढ़ जाता है कि मारपीट में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद कर्मी और डीपीओ के जो डीपीओ और उनके कर्मियों के द्वारा शिक्षक को जमकर कूटा जाता है। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार जो है शिक्षकों को सम्मान दे रही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है, तो एक तरफ दूसरी तरफ बिहार के स्कूलों या सेंटरों से ऐसी ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है, जहां शिक्षकों का सम्मान अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाता है। दरअसल ताजा मामला मोतिहारी के छतौनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डैट में योगदान करने के लिए पहुंची बीपीएससी पास शिक्षक और पूर्वी चंपारण के डीपीओ के बीच छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। छोटी सी बात को लेकर कहासुनी होते ही विवाद मारपीट में बदल गया, जिसके बाद पूर्वी चंपारण के डीपीओ और उनके सहयोगियों ने शिक्षक को जमकर कूटा। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे डीपीओ और शिक्षक के बीच में मारपीट हो रही है। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत कराया और शिक्षक को अपने साथ थाने ले गई, जिसके बाद जो पीड़ित शिक्षिका है उनकी बातों को सुनिए। आज डायरेक्ट ऑफिस में अपने नए शिक्षकों को लेकर के TRE 2 वाले को लेकर के लाइन में सिस्टमेटिक उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करा रहे थे डायरेक्ट ऑफिस के ऑफिस में ऊपर दो मंजिले पे। तब तक DO ऑफिस के कुछ मनचले किरानी आए, एक एक को मैं पहचानती भी हूँ, और उन लोगों ने क्या किया, उनके बॉडी में कोई टच कर गए, कोई हेडमास्टर नहीं, मेरे बसंत सर हैं, कालूपा करके प्रिंसिपल हैं, वही बॉडी में टच कर गए। तो क्यों तू मेरे बॉडी में टच किया, वो घूम के लात से मारे पहले बसंत सर को, बुरी तरह से उन्होंने पीटा और सारे सेट पीट रहे थे, मैं एक एक को पहचानती हूँ। उसके बाद में DPM सर हैं अश्विनी कुमार, वे भी आए, वे भी पीटे। हमने क्या किया, DO सर को कॉल भी लगाया, DO सर दो बार मेरा कॉल काट दिए, फिर मैंने मैसेज भी किया, वॉइस मैसेज भी किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए, फिर उनकी गिरफ्तारी करा दी गई। थाना प्रशासन के सामने भी बहुत बुरी तरह से मेरे हेडमास्टर जो फिनहारा प्रखंड के बसंत कुमार हैं उनको पीटा गया। मतलब ये तो मनमानी रवैया हुआ। फिर एक कर्मचारी उनके बोल रहे थे कि हाँ आपको रहना होगा, ऑफिसर के पैर तले रहना होगा। हम कहे बिल्कुल नहीं सर, सस्पेंड FIR आप लोगों पे होगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे आप लोग। ये सब आपको भी चोट लगा? बहुत चोटें आई है, छोड़ाने के क्रम में बहुत चोटें आई है, जितना मैं बता नहीं सकती, मेरी भी प्रतिष्ठा की सवाल है। वे लोग सोचते हैं कि माननीय हम होते हैं, कि ऑफिसर ही माननीय होते हैं, क्या हम लोग क्या होते हैं, तो फिर हम लोग क्यों करेंगे। हम लोग स्कूल में इतना स्ट्रेस में मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारे शिक्षकों पर कमांड कर रहे हैं, बच्चों पर कमांड कर रहे हैं। DO सर को पता भी है कि मेरे विद्यालय का रूल रेगुलेशन क्या है, और इस तरह से शिक्षकों को बार बार प्रेशर दिया जाएगा, पीटा जाएगा, ये तो बहुत शर्म की बात है। सम्मान के साथ, सम्मान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हुआ। क्या बच्चे हम लोगों को सम्मान दे पाएंगे, क्या ग्रामीण अब हम लोगों का इज्जत दे पाएंगे। क्या आपका नाम है मैडम? मेरा नाम श्यामा कुमारी है, मैं फिनहारा प्रखंड से UHS त्योसा की प्रधान शिक्षिका हूँ। यहाँ क्यों आई थी? यहाँ डाइट में अपने नए शिक्षकों को TRE 2 वाले शिक्षकों का योगदान कराने आई थी, उनका डॉक्यूमेंट जमा कराने आई थी। तो आपने सुना कि पीड़ित शिक्षिका ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ सरकार जो है हम लोगों को सम्मान दे रही है, तो वही दूसरी तरफ अधिकारी जो है इस तरह के हम लोगों के साथ व्यवहार किया, मारपीट की। अब क्या लगता है कि ग्रामीण और जो बच्चे हैं वो हम लोगों को सम्मान दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी ने जमकर कूटा है, हमारे साथ भी बदसुलूकी की है, ये कहाँ तक उचित है, इस पर जल्द ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देसी न्यूज़। धन्यवाद।